पिछले 63 साल में सिंधिया खानदान की तीन पीढ़ियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच बंटी रहीं, लेकिन अब पूरे परिवार का हाथ कमल के साथ है। ज्योतिरादित्य का बीजेपी में रेड कार्पेट वेलकम हो चुका है और कांग्रेस से उनकी बगावत अब अपने अगले अंजाम यानी बीजेपी तक फूल मालाओं के साथ धूमधाम से पहुंच चुकी है। दादी जनसंघ से जुड़ी, पिता भी बीजेपी का दामन थाम कर सियासी सीढ़ी चढ़े, दो दो बुआ बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। राजमाता की चौथी संतान और माधव राव से 8 साल छोटी वसुंधरा ने मां का साथ देते हुए बीजेपी से जुड़ी और 1984 में मध्य प्रदेश के भिंड से पहला चुनाव लड़ी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई महालहर में हार गईं। हालांकि इसके बाद वसुंधरा ने अपने ससुराल राजस्थान का रुख किया और धौलपुर, झालरापाटन और झालावाड़ में सक्रिय होकर बीजेपी की राजनीति करने लगी। वसुंधरा सिंधिया परिवार के एकमात्र सदस्य हैं जो 5 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। सिंधिया परिवार में एकमात्र वसुंधरा ही अपने भतीजे ज्योतिरादित्य के करीब मानी जाती हैं। सिंधिया परिवार में सबसे कम राजनीतिक उपलब्धियां सबसे छोटी बेटी यशोधरा के खाते में गईं। स्वभाव से शांत यशोधरा वसुंधरा से सिर्फ 1 साल छोटी हैं, लेकिन एक पार्टी में होने के बावजूद दोनों का राजनीतिक करियर अलग है। उनकी गिनती मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में तो की जाती है, लेकिन उनकी कम सक्रियता उन्हें बड़े पदों से दूर रखती है। यशोधरा राजे ने शिवपुरी से 1998 और 2003 में 2 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। शिवराज सरकार में उन्हें उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय संभालने का मौका भी मिला। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी में ही हैं। वो अभी राजस्थान की झालावाड़ सीट से सांसद हैं। पद्मा राजे सिंधिया जीवाजी राव और विजय राजे सिंधिया की पहली संतान थी। जीवाजी राव ने 1961 में जबकि पद्मा ने 1964 में अंतिम सांस ली। जीवाजी राव और विजय राजे की दूसरी पुत्री उषा राजे सिंधिया राजनीति से दूर रहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार की राजकुमारी हैं। कभी देश की 50 खूबसूरत महिलाओं में शामिल हो चुकी प्रियदर्शनी राजे ने दिसंबर 1994 में ज्योतिरादित्य सिंधिया से शादी की थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। ज्योतिरादित्य ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पहली बार प्रियदर्शनी राजे से दिसंबर 1991 में दिल्ली में एक कार्यक्रम में मिले थे। उस समय ज्योतिरादित्य अमेरिका में रहते थे जबकि प्रियदर्शनी मुंबई में थी। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया सामाजिक कामों से भी जुड़ी रहती हैं। सिंधिया घराने का सारा कामकाज अकेले प्रियदर्शनी ही देखती हैं। उनके और ज्योतिरादित्य के 2 बच्चे हैं। लड़के का नाम है महाआर्यमन सिंधिया जबकि लड़की का नाम अनन्या है।